साथियों, हम इस वक्त गोपालगंज रोड पे हैं। ये गोपालगंज पलदा रेलवे स्टेशन कोलकाता में पड़ता है, जो लोकल रेलवे स्टेशन है। आज इस वक्त हम गोपालगंज रोड पे हैं। यहाँ पर शंकर प्रसाद राय के आवास पर हैं। यहाँ माननीय काशीराम साहब सन 2001 और 2 के बीच में यहाँ पर पौना घंटे के लिए आए थे। तो हम कुछ जानकारी लेते हैं यहाँ पर शंकर प्रसाद राय जी से, जो यहाँ पर देखिए इनका मकान है। ये शंकर प्रसाद राय जी का, और ये मकान है। मकान का लोकेशन दिखाइए आप। और यहाँ पर आए थे और ज़्यादा वक्त तो नहीं दिए, लेकिन ऐसे महान शख्स के आने का यहाँ पर बहुत बड़ा कारवां रहा होगा, और जो कारवां पूरे भारत में बाम सेफ DS4 फिर बहुजन समाज पार्टी के नाम से पूरे देश में चला और आज भी चल रहा है। तो हम ऐसे शख्स से मुलाकात करते हैं और हम इनके आवास पर पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर देखिए हमारे बीच में हैं शंकर प्रसाद राय जी। और यहाँ पर जय भीम सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय सर। हम आपसे कुछ जानकारी लेते हैं, आप बैठिए सर। और यहाँ पर माननीय काशीराम साहब आए थे, तो आपको कैसा महसूस हुआ था उस समय जब काशीराम साहब आए थे? ऐसे महापुरुष हैं, जैसे जन्मे अपने तमाम महापुरुष जन्मे हैं, जिनका इतिहास मिल रहा है, लेकिन उस लेवल पे नहीं मिल पाया क्योंकि हमारे समाज में शिक्षा की कमी थी, धन का अभाव था, कई कमियां थी इसलिए। लेकिन आज माननीय काशीराम साहब ने जो कारवां पूरे भारत में जगाए बाम सेफ फिर बहुजन समाज पार्टी के नाम पर, तो उस समय आप कैसा महसूस किए जब आपके घर पर आए थे? सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत। मैं इस न्यूज़ चैनल को आभार प्रकट करते हुए मैं दो एक बात बोलना चाहता हूँ। सन 2001 से 2002 के बीच मेरे को जितना याद है, उस टाइम मेरा उम्र कितना भी था, 39, 30, 40 होगा, हमारा घर पे का आया। उसका कारण था हमारा जो चाचा जी थे पीके राय, वो जो स्टेट कमेटी बना था उसका पहले जनरल सेक्रेटरी बने थे, और उसी की बदौलत उस टाइम तो हम लोग राजनीति का कुछ ABCD भी नहीं पता था, लेकिन उस पर वो जुड़ गया क्योंकि ये मेरा जो दादा परदादा का जो खून है हमारा शरीर में बहते हैं, वो तो ये समाज का लिए समर्पित थे। इसलिए मेरा चाचा जी उस टाइम 1987 से 89 तक, उस टाइम हमारा बंगाल में BSP का कन्वेनर था महंत तालुकदार जी, और एक शख्स थे, मैं उसको मेरा ताऊ बोलता हूँ, रंजीत शिक्षदास जी, जिसने बाबा साहेब को बंगाल में जितना बाबा साहेब का राइटिंग्स था उसको उसने बंगाल में ट्रांसलेट करके हम लोग को उसको जानने का मौका दिया। हम तो उसको कभी नहीं भूल पाएंगे, जो समाज को हमारा समाज को जो जागृत करते हैं उसके लिए मैं बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ उन लोगों को। तो साहब जब आया था इधर, उस टाइम साहब का तबीयत इतना मतलब इतना धूम घूमते थे, इतना ये था, तो भी कभी भी मतलब बंगाल में आया तो इतना कोशिश किया बंगाल में बंगाल को जगाने के लिए, लेकिन हमारा जो शिक्षित समाज थे वो उसको साथ नहीं दिया। लेकिन दो चार आदमी जो भी मिला था उसका दिल से वो काम करते थे, और उसी के बदौलत आप भी बंगाल में जितना भी है BSP का संगठन कुछ भी जो जिया है उसी का कारण है। तो इसी का सिलसिले में साहब इधर आया था हमारे घर में, और आप जो सोफा देख रहे हैं इसी में बैठा था, और मैं उसको बगल में जाके बैठा तो मेरा पर उसने ध्यान दिया, और मैं उसको आँखों में ऐसा एक स्नेह अपार स्नेह देखा हूँ जो भगवान तथागत के आँख में देखा जाता है। इसी के कारण मैं तो बहुत ही भावुक रहता हूँ जब मेरा दिल में वही दिन का बात आता है। साहब इतना मेहनती थे और उसने सब कुछ त्याग कर दिया और हमारा समाज के लिए, हमारा समाज में और
आगे आगे पीछे पीछे बहुत महापुरुष जन्मे, उसी का रास्ते पे चलते हुए साहब जो हमारा बीच में आए थे वो आज नहीं है, लेकिन उसको उत्तरदायित्व तो जिसको देके गया बहन मायावती जी को, वो भी उसका सच्चा सिपाही है, सच्चा शिष्य है। इसी जो हम देखते हैं जब साहब 2003 में बीमार हो गया तो बहन जी ने उसको कैसा बच्चे जैसे उसको लालन पालन किया और उसको साथ देते रहे। और बहन जी आप भी उसी समाज के लिए हर पल कोशिश करते हैं। अभी पिछले कुछ आपको याद होगा 2018 में उसने जो राज्यसभा से पदत्याग कर किया था, किस लिए? उधर जो यूपी में जो घटना घटे थे उसको जब वो बोलने गया तो उसको बाधा डाला, तो इसका बदला तो उसने उधर से पदत्याग कर दिया। इसी तो ये कैसा हुआ, बाबा साहेब भी तो जब हिंदू कोर्ट भी लगाने वाले थे उस टाइम जब जवाहरलाल नेहरू पंडित जी ने नहीं माना तो उसने भी ऐसा हमको मतलब उस सदन से पदत्याग किया था। तो हमारा समाज में ऐसा कभी कभी आते हैं साहब जैसा, बाबा साहेब जैसा, हमारा इधर बंगाल में जन्मे हरिचंद गुरुचंद ठाकुर, महाप्राण जोगेन्द्र मंडल, और उस टाइम जो 6-7 MLA उस टाइम हम लोग बोलते थे MLC बाबा साहेब को भेजने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो 6-7 आदमी था उसमें भी एक शख्स को मेरे को देखने का सौभाग्य हुआ, उसका नाम है मुकुंद बिहारी मल्लिक, जो उस टाइम एक निर्दलीय MLC थे। तो मैं इन लोगों को पास मतलब संपर्क में आया हूँ, उसका कारण है मेरा जो दादाजी थे अनंत कुमार राय, वो भी यही काम करते थे। वो जब बचपन में जब हमारा बंगाल भाग नहीं होते उस टाइम भी वो गांव गांव में जाके ढूंढ ढूंढ के ये हमारा शिक्षा का जो आगे बढ़ना चाहिए इसके लिए कोशिश करते थे। उसी के कारण हम भी उसी का खून का है, तो हम भी नहीं रह पता है, हम तो एक मामूली से सिपाही हूँ। हम कोशिश करते हैं हमारा जिंदगी जब तक रहेंगे हम कोशिश करेंगे हमारा समाज को जगाने के लिए, यही मेरा बोलना है। और साहब को मैं कभी नहीं बोलूँगा ऐसा मानव, कभी कभी आते हैं 100-200 साल में एक बार ये धरती में आते हैं, वो समाज को जगाने की कोशिश करते हैं। बंगाल के लोग बंगाल की धरती से बाबा साहब को संसद में भेजने का काम किए थे, और यहीं पर बहुजन समाज पार्टी के माननीय काशीराम साहब का कारवां यहाँ पर पीछे हो गया, ऐसा क्यों? इधर का ये कारण बहुत गहरी है। हम जो समझते हैं बंगाल में हम जिसका विरुद्ध लड़ते हैं वो जो मनुवादी व्यवस्था बोलते हैं हम लोग, ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो बोलते हैं, उसका कहीं ना कहीं बीज इधर ही रोपे गए थे। क्योंकि बंगाल जब भाग हुआ, भारत जब स्वाधीन हुए थे 1947 में, उस टाइम भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गए थे। क्योंकि उस टाइम बाबा साहेब को जब कांग्रेस ने, उस टाइम तो कांग्रेस को छोड़ कर कोई राजनीतिक दल ही नहीं थे, तो क्या कहते थे जो बाबा साहेब को सदन में घुसने नहीं देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उसको घुसने नहीं देंगे। तब बाबा साहेब इधर का बंगाल में उसका जो सिपाही था महाप्राण जोगेन्द्र मंडल, उसने सिविल कट फेडरेशन बनाया, और वो एकमात्र निर्दलीय वो MLA हमारा था महाप्राण जोगेन्द्र मंडल जी, उसने कोशिश करके उस टाइम कैसे जैसे राज्यसभा का चुनाव होता है वैसे ही होते थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जाने के लिए 6-7 आदमी का मतलब MLA MLC मतलब उसको 6 जोग चाहिए था, तो उसके पास तो एक ही था। तो भी महाप्राण ने बोला नहीं बाबा साहब आप इधर से ही आपको चुना के मैंने चुन के हम लोग भेजेंगे संसद में। वो जो चंडाल जाति है वो बड़ा बहुत वीरता दिखाया उस टाइम, इसका और बड़ा पीछे का इतिहास है। ये चंडाल जो जाति है एक जुझारू जाति है, ये शासक थे एक टाइम पे, क्योंकि ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था इधर आया था जब लखन सेन बल्लाल सेन जब इधर हमारा जो पाल राज्य था, पाल साहब पाल वंश में वो तो बुद्धिस्ट था, उन लोग तब तक इधर ब्राह्मणवादी व्यवस्था फैलाने में नाकाम रहा। इसीलिए मैं समझता हूँ बंगाल में कहीं ना कहीं वही ब्राह्मणवादी का जो बीज है वो इधर से ही रोपे गए हैं। और मेरे को जितना जानकारी है गोवालकर साहब
इधर आके रामकृष्ण मिशन में वो ट्रेनिंग लिया था छः महीना, और उसके बाद ये जो एक इतिहास है हिंदू मेला नाम के एक संगठन इधर ही बनाया था। आपको याद होगा 1905 साल में एक बार बांग्ला भाग हुआ था, उस टाइम ब्रिटिश का इंडिया था, उसने उसको एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक रखने के लिए भाग किया था। लेकिन उस टाइम ये जो हम लोग बोलते हैं जो 15% वाला इन लोग का जो जमींदारी थे उधर ही थे, इसलिए उसने उसको बहुत विरोध किया और उसके बाद वो रोक गया था। लेकिन उन लोग तो समझ गए थे, उन लोग चतुर थे, उन लोग शिक्षित थे, वो क्या किया धीरे धीरे उसका जितना भी कुछ इधर कलकत्ता में शिफ्ट हो गया। लेकिन हमारा जो अनपढ़ व्यक्ति थे वो उधर ही रह गए और उसको नेतृत्व देते रहे हमारा महाप्राण जगन्नाथ मंडल, और उसी के बदौलत बाबा साहेब ने सदन में पहुँचा। और वो सदन में पहुँचने के बाद ये जो षडयंत्र था उसने क्या बोला जो बाबा साहेब तो घुसने नहीं देंगे, इसलिए क्या किया जशोर खुलना फरीदपुर ये जो तीनों डिस्ट्रिक्ट था जहाँ हिंदू बहुल तथाकथित हिंदू बहुल, हम तो हिंदू कभी था ही नहीं, हम तो थे अच्युत, हम थे शूद्र, हम थे अशूद्र अति शूद्र, इसलिए हम लोग तो कभी हम तो हिंदू बोलते ही नहीं थे। लेकिन उन लोग 1911 साल में ब्रिटिश का थ्रू हम लोग को नमशूद्र बना दिया, वो जो शूद्र बना दिया उसी से हम ब्राह्मणवादी तत्व में घुस गया। इसका कारण और मतलब ये जो हमारा जो उस टाइम का जो आंदोलन किया था, पहले भारत में जो पहले आंदोलन हुआ था वो इधर से बंगाल से ही हुआ था। 1872 में गुरुचंद ठाकुर ने जो कृषि आंदोलन किया था वो इधर से पैदा हुआ था। लेकिन पता नहीं अभी मैं देखता हूँ बंगाल का जो हमारा समाज का जो शिक्षित व्यक्ति है वो उसको समाज के लिए सोचता नहीं है, वो उसको अपलिफ्ट करने के लिए कभी नहीं सोचता है। वो क्या करते हैं वो अपना खुद का जो बीवी बच्चे से वो ठीक मतलब संभाल जाता है, वो हमारा जो महापुरुष का जो देन थे उसको भूल गया। यही मेरा दुख है, हमारा भी उम्र 70 साल होने वाला है, पता नहीं कितना दिन रहूँगा, लेकिन मेरे को एक आज तो बहुत रहता है ये कब हमारा बहुजन राज ये राज क्षमता में आएंगे और हमारा ये जो पूरा बहुजन समाज है इसको अच्छा से देखभाल कर सकता है, मतलब इसका शिक्षा चाहिए, शस्त्र चाहिए, रोजगार चाहिए, ये दे सकता है। मैं तो यही मेरा एक ही ख्वाहिश है ये बहुजन राज कायम हो, सिर्फ बंगाल में नहीं पूरा देश में बहुजन राज कमाल होने कायम होना चाहिए, और आगे बढ़ के हमको सम्राट अशोक का जो भारत था उसको दे दीजिए। यही मेरा ख्वाहिश है। जय भीम नमो बुद्धाय।